हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हल्का हलचल की शुरुआत करेंगे एक बड़ी और अहम खबर के साथ। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें जो कि बहादुरगढ़ से सामने आ रही है, जहां 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम खबर, 3 फैक्ट्रियों में यहां भीषण आग लगी है। औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की यह घटना है। आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो भीषण आग की तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे जो कि बहादुरगढ़ से सामने आ रही है। देखिए किस तरह से भीषण आग यहां लगी हुई है। इसी बीच औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की एक घटना है। आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में यह भीषण आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें बहादुरगढ़ से सामने आई है। औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की एक घटना है। 3 फैक्ट्रियों में यहां भीषण आग लगी है। 3 फैक्ट्रियों में यहां यह आग लगी है और इसी के साथ आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। देखिए आग की लपटें किस तरह से यहां देखी जा रही हैं और किस तरह से भीषण आग यहां लगी है। भीषण लपटें यहां अग्नि की नजर आ रही हैं और यहां 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका भी है। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। बहादुरगढ़ से ये बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं, जहां 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी। औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की यह घटना है। आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में ही आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। ये बहादुरगढ़ से तस्वीरें जहां 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। ये 3 फैक्ट्रियां हैं जहां भीषण आग लगी है। इन तीनों फैक्ट्रियों में गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने का काम होता है और ऐसे में यहां 4 कर्मचारियों के फंसे होने की भी आशंका है। तो एक साथ 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो बहादुरगढ़ से बड़ी और अहम खबर, 3 फैक्ट्रियों में यहां भीषण आग लगी है और इसी के साथ आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल, हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हैं। यहां ये 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की यह घटना है। गत्ता, चप्पल और हेलमेट बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी है। इसी के साथ आपको जानकारी दे दे कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। बहादुरगढ़ से तस्वीरें तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, जहां 3 फैक्ट्रियों में भीषण आग लगी है। और इसी बीच आपको जानकारी दे दें कि औद्योगिक क्षेत्र पार्ट 2 की घटना है। आग में 4 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। गत्ता, चप्पल, हेलमेट बनाने का काम इन फैक्ट्रियों में होता है। साथ ही आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां जुटी हुई हैं। तो ये तस्वीरें तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि बहादुरगढ़ से सामने आ रही हैं। और इसी बीच एक और बड़ी और अहम खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं जो कि सिंघू बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने एक संदिग्ध पकड़ा है। किसानों ने
यहां सनसनीखेज खुलासा किया है। इस संदिग्ध ने बताया कि 26 जनवरी को गोली चलाने की साजिश थी और संदिग्ध ने दिल्ली पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। तो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई यह बड़ी और अहम खबर तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। 26 जनवरी को गोली मारने की साजिश का दावा यहां संदिग्ध की ओर से किया गया है। चार किसान नेताओं को गोली मारने की साजिश का दावा यहां संदिग्ध की ओर से किया गया है। तो सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने संदिग्ध पकड़ा है और किसानों ने यहां सनसनीखेज खुलासा किया है। यहां संदिग्ध ने बताया कि 26 जनवरी को गोली चलाने का जो षड्यंत्र रचा गया है उसमें उस संदिग्ध की संलिप्तता है। अच्छा, इसी बीच शुरू कर लेते सिंघू बॉर्डर की, जहां से हमारे संवाददाता लाजपत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लाजपत, देखिए एक सनसनीखेज खुलासा यहां सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ओर से किया गया है। एक संदिग्ध युवक पकड़ा गया है। युवक ने बात कबूली है कि वो 26 जनवरी को माहौल खराब करने के षड्यंत्र में संलिप्त रहा। जी बिल्कुल सोनिया, देखिए जो सिंघू बॉर्डर है, जो बिंदु पॉइंट है जहां से किसान आंदोलन को लीड दी जाती है, और यहाँ पर जत्थाबंदी जो 40 लोगों की है जो लीड देती है, और रात को जब एक संगीत जो व्यक्ति था जो घूम रहा था उसको अचानक से उस पर शक हुआ और उसको पकड़ा, तो उससे काफी खुलासे हुए हैं जो कि पुलिस प्रशासन इस पर गहनता से जांच करती हुई नजर आ रही है। जैसे कि जो संगीत व्यक्ति पकड़ा गया है उसने कबूल किया है कि गोलियां चलाने की जो सामने बात आ रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी और हरियाणा पुलिस भी इनके सामने काफी बड़ी चुनौती है। और लगातार बात करें तो जो सिंघू बॉर्डर पर हमने हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार अपील की है कि शांति बनाकर रखें, संयम बनाकर रखें, क्योंकि 26 जनवरी को जो दिल्ली कूच करने की बात सामने आ रही है और ज्यादा हालात गंभीर बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में संगीत व्यक्ति जो पकड़ा गया है, आज इसमें काफी खुलासे हो सकते हैं कि क्या कुछ इसमें अगली रणनीति थी। जी सोनिया बिल्कुल, लाजपत अगर इसी बीच 26 जनवरी की रणनीतियों की बात करें तो किसान यहां किस तरह से ट्रैक्टर मार्च को लेकर रणनीति तय करते हुए नजर आए और क्या प्रतिक्रिया उनकी ओर से है, क्योंकि अगर 12वें दौर की वार्ता की बात करें तो वो भी बेनतीजा रही, तो इससे कहीं ना कहीं किसानों का आक्रोश बढ़ता नजर आएगा लाजपत। जी बिल्कुल, देखिए जो दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली के लिए बिल्कुल नहीं जाने दिया जाएगा, और किसानों ने कहा है कि बिल्कुल दिल्ली कूच करेंगे, तो इस बात को लेकर खींचातानी देखने को मिल सकती है। काफी बड़ा आंदोलन है और आंदोलन जो तूल पकड़ता जा रहा है, किसान भी इसमें है और कुछ भीड़, ये भीड़ भी इसको कह सकते हैं क्योंकि इसमें आसपास के जो व्यक्ति हैं लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग आ सकते हैं, तो काफी बड़ी चुनौती है और दिल्ली के लिए खासकर, क्योंकि दिल्ली कूच को लेकर जो काफी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है, ट्रैक्टर जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और जो गाँव है हरियाणा है या दो अलग अलग जो स्टेट हैं सभी में ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है दिल्ली के लिए, और ऐसे में कोई भीड़ रूप ना ले ले, इसलिए हम लोगों से अपील करते हैं हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि संयम बनाकर रखें और शांति बनाकर रखें। जी लाजपत, आप हर रोज किसानों से मुखातिब भी हो रहे हैं, इस आंदोलन में जितने पुरुष किसानों की भागीदारी रही उतनी ही महिला किसानों की भी भागीदारी रही, अगर ट्रैक्टर मार्च को लेकर महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो कितनी महिलाएं शामिल होने वाली हैं, इस मार्फत क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है? जी सोनिया, देखिए महिला बच्चे जो भी पुरुष बुजुर्ग सभी इसमें शामिल हैं अभी तक, और 26 जनवरी को महिलाओं ने भी कहा है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन जैसे कि कोर्ट ने कहा है कि महिला और बच्चे इस आंदोलन से दूर रहें, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो है कोर्ट को भी ठुकरा दिया है, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं ने भी कहा है कि हम ट्रैक्टर लेकर घुसेंगे और तिरंगा लगाकर घुसेंगे दिल्ली के अंदर, तो काफी बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने और लगातार जो है दिल्ली के लिए आफत बनती हुई नजर आ रही है। जी सोनिया बिल्कुल, लाजपत आप जुड़े रहिएगा और ज्यादा अपडेट के लिए आपकी और दोबारा रुख करेंगे। और हल्का हलचल में आगे बढ़ते हैं एक बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी और अहम खबर, किसानों के आंदोलन का 59वां दिन है, 59वें दिन भी किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में किसान डटे हुए हैं और ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी तमाम किसानों की ओर से की जा रही है। दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसान डटे हुए हैं, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। बैठकों का दौर जारी रहा और 12वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। ठीक उसी तरह से 11वें दौर की बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को कानून स्थगित करने का प्रस्ताव सौंपा, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया, नामंजूर करते हुए 12वें दौर की बैठक के दौरान किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग पर ही अडिग रहे। इसी बीच 26 जनवरी को हलधरों के हुंकार
ट्रैक्टर मार्च के जरिए देखने को मिलेगी। तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। लाजपत लगातार हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़े हुए हैं और अपडेट के लिए लाजपत की ओर बढ़ लेते हैं। लाजपत, इसी बीच अगर ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो देखिए किसानों की ओर से रणनीति तय की जा रही है, लेकिन ये प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है। हरियाणा, दिल्ली और यूपी पुलिस और किसानों के बीच में बैठक हुई, वो बैठक भी बेनतीजा रही। किसान बार बार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस अनुशासन के साथ, जिस शांतिपूर्ण तरीके के साथ ये आंदोलन जारी रहा, ठीक ऐसे ही ट्रैक्टर रैली किसानों की ओर से निकाली जाएगी। तो प्रशासन के लिए इसे कितनी बड़ी चुनौती माने लाजपत? जी देखिए सोनिया, बिल्कुल जो है केएमपी केजीपी पर जो ट्रैक्टर मार्च निकाला था वो 26 जनवरी को ही लेकर निकाला था, और अब दिल्ली के लिए जो कूच की बात सामने आ रही है, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश सुरक्षा की बात सामने आती है। देश सुरक्षा की इसलिए कि 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस है जिसको लेकर पूरा देश मनाता है, और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। किसानों की तरफ से साफ में कहा है कि दिल्ली के लिए हर हालत में कूच करेंगे, तो इस बात को लेकर काफी चिंता का विषय है सोनिया, क्योंकि लगातार जो है ये आंदोलन अपना एक रूप धार करता हुआ नजर आ रहा है। जो लंबा जो एक 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो काफी बड़ा है, और 10 किलोमीटर के दायरे में जो किसान पहले से ही बैठे हुए हैं और किसान भी यहाँ पर आने हैं, तो लगता है कहीं ना कहीं काफी बड़ा आंदोलन हो सकता है, काफी बड़ा एक रूप ले सकता है। तो इसलिए सरकार के सामने भी काफी बड़ी चुनौती है और पुलिस प्रशासन के सामने तो काफी बड़ी चुनौती है ही, क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा के लिए काफी बड़ी बात आती है वही नजर आ रही है, क्योंकि जो दिल्ली जो गणतंत्रता दिवस है वो एक देश का सबसे बड़ा पर्व है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी बड़ी चुनौती देखने को मिल रही है। जी सोनिया, लाजपत, यहाँ अगर किसानों के आंदोलन की बात करें तो देखिए सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं। अगर ऐसे में आंदोलन आगे बढ़ता है तो क्या किसान तमाम व्यवस्थाएं, तमाम सुविधाएं बनाए रखने में समर्थ नजर आ रहे हैं फिलहाल? देखिए सोनिया, लगातार अगर इस आंदोलन की बात करें तो काफी बड़ा भीड़ का, जो एक भीड़ भी कह सकते हैं इसको, भीड़ के रूप में ये जो आंदोलन देखने को मिल रहा है, किसान जो है वो भी है इसमें, और काफी तरह की भीड़ इसमें देखने को मिल रही है। ये कोई भी रूप ले सकता है। देश सुरक्षा की बात सामने आ रही है, दिल्ली में अगर घुसते हैं तो देश सुरक्षा की भी बात सामने आती है, क्योंकि इसलिए कि ये भीड़ कह सकते हैं सोनिया, क्योंकि इसमें सभी तरह के व्यक्ति इसमें घुस चुके हैं, अकेले किसान नहीं है, और तरह के लोग भी इसमें घुस चुके हैं, क्योंकि जैसे एक संगत व्यक्ति मिला है, तो ये एक अपने आप में सवाल है, क्योंकि इसको पहले किसान आंदोलन कहा जा रहा था, अब ये जो भीड़ का रूप कहा जाएगा, क्योंकि इसमें काफी ऐसे लोग घुस चुके हैं, जो काफी बड़ी चुनौती है। और 26 जनवरी तो काफी दूर है सोनिया, 24 तारीख से ही तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि 26 जनवरी को पूरा, क्योंकि सरकार के सामने काफी बड़ी चुनौती है, 24 से ही तैयारियां जरूर की जाएंगी, 24 से ही ये अपनी पहल कर सकते हैं। इससे पहले काफी बड़ी चुनौती है, आज का वक्त है, आज पूरी रणनीति बन सकती है, और इस पर रणनीति बनकर ही दिल्ली के अंदर कूद जाएगा, तो ये एक काफी बड़ा भीड़ का रूप इसको कह सकते हैं। किसान जो है वो भी इसमें शामिल है, और तरह के लोग भी इसमें शामिल है, आसपास का जो एरिया है वो दहशत में बन चुका है सोनिया, जैसे कि हमने बताया दिखाया भी है कि जो लोग यहाँ के आसपास के व्यक्ति हैं वो डीसी के पास गए थे, और डीसी सोनीपत को एक मांग पत्र मुख्यमंत्री को दिया था, जो कि सुरक्षा की बात सामने, सुरक्षा मांगने के लिए गए थे, और जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए काफी चिंता का विषय है। तो हमारी तरफ से अपील है कि फैक्ट्री मालिक जो है इसकी छुट्टी करें, क्योंकि छुट्टी इसलिए कि भीड़ का जो रूप है वो काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि सोनिया यहाँ पर जो अलग अलग स्टेट के जो लोग हैं वो भी इसमें काफी हैं, और भीड़ का एरिया है काफी बड़ी, जो कॉलोनियां हैं उनको काबू करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये भी एक जो गरीब व्यक्ति है वो भी काफी है, तो ये एरिया जो है कुंडली का काफी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, काफी भीड़ का एरिया है, और काफी बड़ा बाजार भी है जो प्याऊ मनियारी बाजार है। उन दुकानदारों से भी अपील है कि अपने आप को सुरक्षित रखें और ध्यान रखें, और जो कॉलोनियां हैं, जो मालिक है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि अपने जो उनके पास रहते हैं व्यक्ति, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी सुरक्षा देखें, और उनको उनको अपील करें कि अपने आप को सुरक्षित रखें और भीड़ में शामिल ना हो, क्योंकि आंदोलन काफी तूल पकड़ चुका है, और 26 जनवरी के लिए आह्वान किया गया है, उससे पहले 24 को ही कूच करने की तैयारी की जाएगी। बिल्कुल लाजपत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हल्का हलचल में आगे बढ़ लेते हैं बड़ी और अहम खबर की, और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करें। किसानों और सरकार की 12वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही, और अगली बैठक के लिए केंद्र की ओर से किसानों को तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बयान भी सामने आया है,
और नरेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों के हित में ही प्रस्ताव दिया जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव पर किसान एक बार फिर से विचार करें, एक बार फिर से सोचे। इसी बीच सरकार के साथ बैठक के बाद किसान नेताओं का बयान भी सामने आया है। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार बातचीत का सिलसिला बंद करना चाहती है, सरकार नहीं चाहती कि बैठकों का दौर जारी रहे। किसान नेता अपनी मांगे बिंदुवार तरीके से केंद्र तक पहुंचाएं। और इसी बीच ये 12वें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। 11वें दौर की वार्ता के दौरान केंद्र की ओर से किसानों को प्रस्ताव दिया गया था कि इन कानूनों को कुछ वर्षों तक स्थगित किया जाए, जिसे किसानों ने खारिज कर दिया। किसान इस प्रस्ताव पर असहमत नजर आए। तो चलिए रुक कर लेते हैं टीकरी बॉर्डर की ओर। राजा पटेल इस वक्त वहां से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और राजा जरा बताएं कि यहां पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि गणतंत्र दिवस की किसान तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों की यहां क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और क्या क्या रणनीति यहां किसान नेताओं की ओर से अपनाई जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, जिस तरीके से जो कल मीटिंग हुई है दिल्ली के विज्ञान भवन में, किसानों में काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। साफ तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि सरकार के जो मंत्री हैं बातचीत का जो सिलसिला है वो बंद करना चाहते हैं। कल की मीटिंग के बारे में सोनिया मैं आपको बता दूं, जो मीटिंग हुई है जिस तरीके से कल वीएप था कृषि मंत्री का, उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में ज्यादा रोष है, क्योंकि कृषि मंत्री मीटिंग के जो पहले घंटे थे उसमें सिर्फ 15 मिनट ही दे पाए टाइम। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप लोग दोबारा विचार कर लीजिए, दोबारा उठ के चले गए। यानी कि पूरे दिन जो मीटिंग थी, 5 घंटे की जो मीटिंग चली थी उसमें से आधे से 1 घंटे ही सिर्फ मीटिंग हो पाई, 4 घंटे किसानों ने बोला कि खराब कर दिए, क्योंकि कृषि मंत्री चाहते ही नहीं थे कि किसी निष्कर्ष तक निकले। क्योंकि पहले घंटे में जो बातें हुई थी, साफ तौर पर कृषि मंत्री ने किसानों से पूछा कि जो हमने प्रस्ताव दिया है उस पर आप लोग क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या सहमति बनी आप लोगों की, तो साफ तौर पर किसान के तमाम जो नेता हैं उन्होंने एक सुर में यही बोला कि हम सहमति नहीं बना पाए और साफ तौर पर हमें यह प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमें कृषि कानून को रद्द कराना है। हम इतनी बड़ी संख्या में अपने अपने राज्य से आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि कृषि कानून को रद्द करें आप लोग, तभी हम लोग यहां से जाएंगे। ऐसे में लगातार जो गहमा गहमी का माहौल मीटिंग के अंदर रहा, पूरे दिन जिस तरीके से मीटिंग चली, साफ तौर पर नाराजगी भी कृषि मंत्री ने जाहिर की कि हम लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है कि निष्कर्ष तक पहुंचे, पर जो कुछ लोग हैं आंदोलन खत्म करने की राह पर नहीं है, वो चाहते नहीं कि आंदोलन खत्म हो। तो ऐसे में कल जिस तरीके से मीटिंग हुई वो भी कहीं ना कहीं बेनतीजा रही है। अब मैं आपको सोनिया 26 जनवरी की बात बता दूं, कल जो जानकारी मिल रही है, कल देर शाम दिल्ली पुलिस की जो किसान है किसानों के साथ दिल्ली के बाराखंबा पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई है। तमाम जो लोकेशन है उनको उनके ऊपर डिस्कस आज जो किसान नेता है 11 बजे सिंधु बॉर्डर पर करेंगे। यानी कि दोबारा से किसान जो संगठन है 580 किसान संगठन एक बार फिर से बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि जो पुलिस ने प्रस्ताव दिया है उस प्रस्ताव पर मोहर लगाते हैं और उसको भी खारिज करते हैं। क्योंकि कल देर रात तक पुलिस की अलग अलग जो अलग अलग राज्यों की, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा प्रदेश के पुलिस विभाग की बात करें और दिल्ली पुलिस की बात करें, तो बाराखंबा जो रेलवे जो स्टेशन है पुलिस स्टेशन वहां पर ये मीटिंग हुई है, जानकारी मिल रही है। और दूसरी तरफ सोनिया मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से 26 जनवरी नजदीक है और सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसको लेकर किसान संगठन भी काफी गंभीर है, सरकार भी काफी गंभीर है और पुलिस की टीम भी काफी गंभीर है। इसको इसी कड़ी में कल देर रात एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा है सिंधु बॉर्डर में, जो कहीं ना कहीं रेकी कर रहा था किसानों की। वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इन्फॉर्मेशन जो जानकारी वहां के किसान दे रहे हैं, सिंधु बॉर्डर के किसान दे रहे हैं कि रेकी कर पुलिस विभाग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था और 26 जनवरी के दिन तनाव की स्थिति बनाने की कहीं ना कहीं जो जानकारी मिल रही है कि गोली चलाने तक की ये बात कहीं ना कहीं कबूली है उस आदमी ने। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो हिंसा का रूप कहीं ना कहीं ना ले इसको लेकर किसान भी काफी ज्यादा एक्टिव है, पुलिस भी पहले ही सतर्क है, पहले ही अलर्ट कर रखा है दिल्ली में। और ऐसे में पुलिस की टीम लगातार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है कि आप लोग 26 जनवरी को दिल्ली कूच ना करें, हिंसा हो सकती है, आतंकवादी गतिविधियां हो सकती है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात है कि 11 बजे की मीटिंग में किसान संगठन क्या निर्णय निकालते हैं। जी बहुत शुक्रिया राजा, तमाम अपडेट तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच हल्का हलचल में आगे बढ़ते हैं बड़ी और अहम खबर की ओर। बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है आज। और आपको जानकारी दे दें देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे, कई कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जाएंगे। देश में आज पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है आज। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, आजाद हिंद फौज बनाई और भारत की स्वतंत्रता में अपना एक अहम योगदान दिया,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं आज जयंती है और इसी बीच देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। और आपको जानकारी दे दें कि देश भर में आज पराक्रम दिवस मनाने का फैसला किया गया है। अलका हलचल में बड़ी और अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जो कि किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है, ढांसा बॉर्डर पर धरने पर पहुंचे रिटायर्ड फौजी। रिटायर्ड फौजियों ने सरकार को चेताया है तो सेना के रिटायर्ड जवान भी यहां पहुंच रहे हैं। वो जवान जो कि देश की सरहदों पर देश की सुरक्षा कर चुके हैं और वो यहां किसानों को समर्थन देने पहुंचे और उन्होंने बॉर्डर पर सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने का फैसला किया। रमाकांत ज्यादा जानकारी के साथ ढांसा बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके ओर रुख कर लेते हैं। रमाकांत, अगर ढांसा बॉर्डर पर बात करें तो देखिए जत्थेबंदियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, किसानों को रिटायर्ड जवानों का भी समर्थन मिल रहा है, खापों का भी समर्थन मिल रहा है, सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिल रहा है और इसी बीच आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है जो कि यहां मनाई जाने वाली है, तो यहां क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, आज क्या कार्यक्रम होने वाले ढांसा बॉर्डर पर? मैं आपको बता दूं कि कल सैकड़ों की संख्या में रिटायर्ड फौजी यहां पहुंचे और किसानों को पूरी तरह आश्वस्त कर दिया कि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, आप पूरी तरह आश्वस्त रहे, अगर पहली गोली लगेगी तो हमें लगेगी, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ट्रैक्टरों पर हम आपके साथ खड़े रहेंगे, हम ट्रैक्टर ड्राइव करेंगे, तिरंगा लगाकर आप आगे की तरफ कूच करें। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाए ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको भी एक मोटिवेशन मिले। और आज ढांसा बॉर्डर पर सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती मनाई जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि किसान नेता दीपक धनखड़ हो, विनोद गुलिया हो या फिर जो किसान महासचिव हैं डंपी पहलवान, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि 26 जनवरी को हम दिल्ली जाएंगे और शांतिपूर्वक जाएंगे, लाखों की संख्या में हरियाणा से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और शांतिपूर्वक, जैसे दिल्ली पुलिस हो या केंद्र सरकार की तरफ से चाहे हमें गोली मारी जाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, लेकिन हम किसान हैं, हम हिंसक नहीं है, आराम से हम जाएंगे। हालांकि कुछ लोग जो उपद्रवी हैं उनको हम सरकार को सौंपने का काम करेंगे क्योंकि हम लोग हिंसा में विश्वास नहीं रखते और हिंसा ना हम करेंगे क्योंकि लगातार 2 महीने से ज्यादा है वो लगातार जो आंदोलन हो रहे हैं बिल्कुल शांतिपूर्वक कर रहे हैं और आगे भी हम लोग शांतिपूर्वक रखेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रमाकांत तमाम जानकारी के लिए। तो हल्का हलचल में हमारे संवाददाता